हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम आ गए एक डिफरेंट सेटअप पे, जस्ट क्लोज टू माय हाउस। तो आज हमें एज यूजुअल कुछ ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने हैं। तो ये मेगा ड्रॉप टेस्ट तो नहीं है, आज सिर्फ हम एक्सक्लूसिव ड्रॉप टेस्ट करने वाले हैं वन प्लस नॉट का। तो मेरे पास दो वन प्लस नॉट है, एक ऑलरेडी डैमेज्ड है जो हमने इंडोर हाउस में ड्यूरेबिलिटी में टेस्ट किया था, और आज हमें आउटडोर इन्वायरमेंट में ड्रॉप टेस्ट करना है। जो स्टैंडर्ड रोड होती है इंडिया में चारकोल की, वहाँ पे ड्रॉप टेस्ट करना है। तो जस्ट हम कैजुअल ड्रॉप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ अच्छी एसेसरीज भी दिखाता हूँ, जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो उसको भी रियल लाइफ में टेस्ट करना ज़रूरी है कि उस केस की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वन प्लस नॉर्ड का डेथ हम देखेंगे वन प्लस 70 के साथ स्लो मोशन में, और मेरे पीछे एक ट्रेन जा रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको एक फ़न पार्ट बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, जब मैं लखनऊ से कॉलेज जाता था, तो इसी रोड से, इसी ट्रेन से मैं ऐसे ही ट्रैक से जाता था। यही ट्रैक था, ट्रेन ऑब्वियसली दूसरी होगी, बालगाड़ी से भी नहीं जाता था, लेकिन इधर ही से मैं जाता था। उस टाइम पे यहाँ पे एकदम खाली था, लगभग 2004-08 की बात है, आज ये काफ़ी भरने लगा है। और जो केस के बारे में आपको बता रहा था, वो ग्लेजिंग केस है और टेम्पर ग्लास है। करेंटली मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, और बट लेकिन मैंने आपको बताया कि क्वालिटी ज़रूर चेक करनी होती है कि कैसा है। सो ग्लास आप देख सकते हैं, ये फुल स्क्रीन ग्लास है, और कैमरा लेंस भी आपका इसमें जो फ्रंट कैमरा भी प्रोटेक्ट रहेगा, और कोई भी इशूज मुझे नहीं मिली है, ना ही बबल, ना ही कुछ है। टच सेंसिटिव, फिंगरप्रिंट, अनलॉक, सभी कुछ काफ़ी अच्छा है। तो ये ग्लास मैं कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें मिल जाएंगे, आपको वाइट कलर भी मिल सकता है और ब्लैक कलर भी मिल सकता है, जैसा आपको चाहिए। ये फुल ग्लू ग्लास होते हैं जो कि परफेक्ट होते हैं। उसको लगाने से क्या होता है कि साइड में एजेस से आपके डस्ट अंदर नहीं जाता है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसा अच्छा टेम्पर ग्लास यूज़ करें। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्लीक है, बहुत ही स्लिम है, और परफेक्ट है, कोई इसमें डस्ट इश्यूज़ नहीं है, टच सेंसिटिविटी परफेक्टली हो गया। मैं पास्ट वन वीक से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई इस टेम्पर ग्लास में। ऑलराइट, तो ये केसेस आपने देखे हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, और एक्चुअली ये तो डिफ़ॉल्ट केस है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं और रेड कलर भी आता है थोड़ा सा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक वाइट कलर भी आता है। जो तो अभी मैं इस कंडीशन में फ़ोन को ड्रॉप करता हूँ, और आप सभी जानते हैं कि टेम्पर ग्लास ऑब्वियसली ब्रेक तो होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अगर आपका 200-400 रुपये का टेम्पर ग्लास टूट भी जाता है तो कोई बिग डील नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं डिस्प्ले चेंज कराने के इस फ़ोन को, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं टेम्पर ग्लास टूटेगा, लेकिन टेम्पर ग्लास लगे होने के बाद आपका डिस्प्ले बच जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम ड्रॉप टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, फर्स्ट इनिशियली आपके पॉकेट हाइट से अगर आपका फ़ोन बाहर गिर जाता है देन क्या होता है। ओके, तो सिमिलर हमने पोको M2 और सभी फ़ोन का किया था, तो पहले हम इस पॉकेट हाइट से फ़ोन को गिराते हैं। विद दिस एंगल अगर गिरता है, 3, 2, 1, तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि टेम्पर ग्लास डेफिनेटली टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही थिन ग्लास होता है, कोई भी उसमें कॉन्टिंग प्रोटेक्शन नहीं होती है। बट पॉइंट ये देखना है कि फ़ोन एट द लास्ट आपका सर्वाइव करता है कि नहीं करता। ओके, सेकेंड ड्रॉप टेस्ट कैमरे एंगल से, एंड दैट्स परफेक्टली ओके, कोई इश्यूज़ नहीं है, राइट, फ़ोन अभी भी ओके है। लेट्स ड्रॉप फ्रॉम द रियर साइड जहाँ पे आपका कैमरा मॉड्यूल होता है। ओके, 3, 2, 1, कैमरा लेंस थोड़ा सा इसके अंदर है तो इसलिए वो भी बच जा रहा है, लेकिन ये सरफेस बहुत ही रफ है, यहाँ पे छोटे छोटे आप जानते हैं पत्थर के टुकड़े होते हैं जो रियली आपके कैमरे पे लग सकते हैं, तो वहाँ पे भी कैमरे का प्रोटेक्टर आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। ओके, लेट्स ड्रॉप फ्रॉम द स्क्रीन साइड, और हमें पता है यहाँ से टेम्पर ग्लास टूट जाएगा, लेकिन फ़ोन का डिस्प्ले ओके होना चाहिए, वो हम एट द लास्ट हम चेक करेंगे, राइट, 3, 2, 1। सो एज यू कैन सी, जैसे मैंने कहा था टेम्पर ग्लास टूट जाएगा, लेकिन फ़ोन का डिस्प्ले ओके होना चाहिए, वो हम एट द लास्ट निकाल के चेक करते हैं। लेट्स ड्रॉप फ्रॉम द हेड हाइट, अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं अराउंड 5 to 6 feet हाइट, 3, 2, 1। परफेक्टली ओके, यहाँ पे स्कफिंग आ गई है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ मेजर नहीं है, राइट। सेकेंड हाइट से ड्रॉप करते हैं, जिधर से कैमरा है। ऑलराइट, फोन अभी भी वर्किंग है एंड स्टिल ट्राइंग टू अपलोड। और मेरे घर के पास एयरपोर्ट भी है, तो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे प्लेन्स दिख जाएंगी,
वो ऊपर बादलों में, वो देखो ऊपर, वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेन्स जाती हैं। ये आई गेस गो एयर है, इतनी बड़ी है कि यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। ओके, अब हम यू नो कैमरे साइड से ड्रॉप करते हैं रियर पैनल पे, देखते हैं क्या रियर पैनल ओके है कि नहीं। ऑलराइट, 3, 2, 1। तो कैमरा लेंस ओके है, यानी कि केस ने कैमरा लेंस और बैक पैनल अभी भी ओके है। तो ये लास्ट स्टॉप टेस्ट है विद केस स्क्रीन साइड से, उसके बाद हम टेम्पर ग्लास निकालेंगे, देखते हैं फ़ोन वर्किंग है नहीं, देन हम नेकेड गिराते हैं फ़ोन को। ओके, 3, 2, 1। ऑलराइट, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, चलिए वेरीफाई करते हैं। मुझे बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा क्योंकि इस ग्लास से हो सकता है फोन डैमेज ना हो जाए। वेल, इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं, आप आसानी से इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट। सो जैसे कि आपने देखा, फ़ोन का डिस्प्ले परफेक्टली ओके है, यानी कि टेम्पर ग्लास ने आपके 8,000 रुपये लगभग बचा लिए, क्योंकि मुझे अभी वन प्लस फ़ोन रिपेयर कराना है, फ्रंट एंड बैक डैमेज है, लगभग 16,500 रुपये उसमें खर्च हो रहे हैं, तो यानी कि 12,000 का लगभग डिस्प्ले पड़ेगा इसका। चलिए गाइस, फ़ोन का ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियली वेस्ट हाइट से फ़ोन को ड्रॉप करते हैं, लेट्स सी क्या इस हाइट से फ़ोन फेल होता नहीं होता है। ओके, एट द फर्स्ट वेस्ट हाइट, लेट्स सी, 3, 2, 1, वन प्लस नॉर्ड, ओप्स, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, कैमरा साइड, ड्रॉप नंबर 2, सो फॉर डूइंग गुड। रियर साइड, ड्रॉप नंबर 3, एंड इट क्रैक्ड, यहाँ से इम्पैक्ट हुआ और ये क्रैक यहाँ से बढ़ गया। ओके, और जो भी यहाँ पे फ्रेम में जितने थे कलर वो हटने लगे। ऑलराइट, एंड ड्रॉप नंबर 4, स्क्रीन साइड, जस्ट 2 फीट हाइट, एंड इट्स क्रैक्ड, ओह इट्स नॉट क्रैक्ड। सो 2 फीट हाइट से सरप्राइजिंगली इसका डिस्प्ले क्रैक नहीं हुआ है, अभी भी परफेक्टली वर्किंग है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। 5 to 6 फीट हाइट, हियर वी गो, 3, 2, 1। तो यहाँ से गाइस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था, आप देख सकते हैं यहाँ से क्रैक हुआ है, लेकिन फ़ोन अभी भी वर्किंग है, डिस्प्ले ओके है, यानी कि यूजबल है। और ये बाहर से क्रैक, बाहर से भी क्रैक है, यानी कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फेल्ड फ्रॉम हियर। ओके, सो ड्रॉप नंबर 5, 6 आई गेस नाउ फ्रॉम द कैमरा साइड, हियर वी गो, 3, 2, 1। और इस बार यहाँ से आप देख सकते हैं इम्पैक्ट हुआ है, अगर ये मेटल फ्रेम होता तो शायद यहाँ से ये इम्पैक्ट बच जाता। डिस्प्ले अभी भी टर्न ऑन हो रहा है लेकिन क्रैक हो चुका है। ओके, बैक पैनल तो ऑलरेडी क्रैक है, लेट्स सी कितना और डैमेज होता है। काफी ज्यादा यहाँ पे यू नो आप देख सकते हैं डैमेज बढ़ गया है, ऑब्वियसली क्रैक्ड है, तो लगभग 4,000 रुपये तो इसमें खर्च हो गई होगा। लास्ट ड्रॉप टेस्ट, लेट्स सी क्या फोन ड्रॉप डेड तो नहीं होता है। लेट्स ड्रॉप द फोन, हियर वी गो, 3, 2, 1, वन प्लस नॉट, ड्रॉप डेड। ओके, वाओ दैट्स अमेजिंग, फोन इज स्टिल वर्किंग but it has got lot of dents and drops. So guys, ये था OnePlus Nord का full drop test, and भले ही फ़ोन drop dead नहीं हुआ है लेकिन इस condition में आप उसको use तो obviously नहीं करेंगे। और जहाँ तक मैंने estimation निकाला है service center पर check करके, इसका around 12-13,000 का डिस्प्ले इसका पड़ेगा, तो मैं आपको फ्यूचर में अपडेट करता हूँ। फिलहाल पॉइंट ये है कि अगर आप
कोई केस या टेम्पर ग्लास यूज़ करते हैं तो जो ये डैमेज आप देख रहे हैं ये आप अवॉइड कर सकते थे। जस्ट आपको कुछ 200-400 रुपये का टेम्पर ग्लास लेना है और एक अच्छा केस लेना है तो ये आपका लगभग 17,000 रुपये बचा सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।